हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संजय मंडल। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी आज के समय में जो है कमाल का काम कर रही है और बहुत ही धूम मचा रही है, और आपने भी इसका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी कितना इफेक्टिव है और किस तरह से ये हेल्प कर सकता है हमारे वर्क में। चाहे आप ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब वगैरह बनाते हो, या फिर जो है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो, इंजीनियर्स हो, या फिर कुकिंग वगैरह करते हो, तो ये सारे काम जो है आपके लिए कैसे कर सकता है। लीगल फील्ड में एडवोकेट हैं या कोई भी लीगल जो है फील्ड में वर्क करते हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हैं, कुछ टाइप करना है, ये आपका एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए सजेशन देगा, टाइप करके दे देगा। स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, ये आपके लिए जो है काफ़ी यूजफुल हो सकता है कंटेंट राइटिंग के लिए। तो आज मैं कुछ जो है सवालों का इससे जो है जवाब मांगूंगा, यानी क्वेश्चंस के जो है चैलेंजेस इसको दूंगा, और हर फील्ड से मैं दूंगा किस तरह से ये काम करता है, और बहुत ही टफ क्वेश्चन इसको दूंगा और देखता हूँ ये किस तरह से हमारे सवालों का जो है सही जवाब देता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ये वीडियो देखने के बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। किस तरह से मैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए कंटेंट टाइपिंग करवाता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करवा सकता हूँ, अगर कोई एडवोकेट है तो इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो इसका इस्तेमाल किस तरह। हर फील्ड के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, राइटिंग स्क्रिप्ट जो है यूट्यूब के लिए, लीगल फील्ड में किस तरह से आप एफिडेविट या बेल एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह बनाना है, पेशेंट नेम या प्रिस्क्रिप्शन लिखना है उसके ऊपर हम बता सकते हैं। एजुकेशन फील्ड से मैंने लिया है कि हाउ टू राइट एसे ऑन सेफ वाटर, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग फील्ड, अगर आपको कैसे एगलेस केक बनाना है घर पर तो उसके लिए रेसिपीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह देता है। तो काफी ज्यादा ये जो है हमारी हेल्प करने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखें, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम चैट जीपीटी पे आ गए हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट कर दिया है डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में, और देखते हैं ये हमारे लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और यहाँ पे जैसे ही हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये फटाफट टाइपिंग करना, या आप देख सकते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संजय टेक एंड पेट, और ये हमारा स्क्रिप्ट कितना जल्दी तैयार कर दे। यानी कोई जो हम स्क्रिप्ट राइटर रखते हैं उसको रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपके लिए स्क्रिप्ट बना के दे रहा है, और सॉफ्टवेयर का नाम दे रहा है, सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, क्या बेनिफिट है, ये सारे चीज़ें बना दे रहा है। यानी आपको इंटरनेट पर बैठ के वो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और ये देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे टाइप हो गया है। अब यहाँ पे हम लीगल फील्ड का एक चैलेंज दे रहे हैं इसको कि एक राइट बेल एप्लीकेशन इन इंडियन जुडिशरी फॉर्मेट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करते हैं कितना फास्ट ये टाइप करके बेल ऑर्डर हमें बेल एप्लीकेशन जो है वो देता है, जो कि कोर्ट में पेशी वगैरह में काम आते हैं, चाहे वो एडवोकेट यूज़ करे या कोई भी लीगल पर्सनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1x1 सारे क्लाउजेस वगैरह जो भी है इसके टर्म एंड कंडीशंस वगैरह डाल दिया है जहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टॉप जनरेटिंग रिस्पॉन्स पे क्लिक करके स्टॉप कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि मेडिकल फील्ड से है, पेशेंट नेम संजय, डॉक्टर नेम SM, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप छोटा छोटा की वर्ड रॉन्ग इंग्लिश में भी आप देंगे तो ये अंडरस्टैंड कर लेगा। तो इसलिए हम हर तरह के लैंग्वेज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं देने का। यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको और जाते हैं चैट जीपीटी पे और देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देता है। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट किस तरह से टाइप करके दे रहा है। इसमें मेरी उम्र 35 इयर्स दिया है, जो कि अप्रॉक्स इसने जो है मैंने इसमें एज मेंशन नहीं किया था, बट इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं 35 इयर्स का। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया था जिसके वजह से ये रुक गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यू यहाँ टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। आप इम्प्रेशन जैसे देखते हैं गॉल ब्लैडर और अदरवाइज जो भी साइंड है, साइंड बाय डॉक्टर जो भी है यहाँ पे वो टाइप हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा है। किडनी मेजरमेंट वगैरह जो है वो सारे चीज़ें इसमें मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं लार्जेस्ट में जो है वो सब कुछ दे दिया है, कितना किडनी का मेजरमेंट है वो सारा नॉर्मल। अब अगर स्टूडेंट है या कोई भी टीचिंग लाइन से, एजुकेशन फील्ड से, तो राइट एन एसे ऑन सेव वाटर, अगर आपको एसे वगैरह लिखना है तो उसके लिए भी कंटेंट ये प्रोवाइड कर देगा और टाइप करके यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आप जस्ट टाइप कीजिए और देखिए चैट जीपीटी जो है आपके लिए कैसा बना के देता है, और ये टाइपिंग स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ के साथ ये राइटिंग कर चुका है और लिखे जा रहे हैं। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
अगला चैलेंज है कुकिंग फील्ड से, हाउ टू मेक एगलेस केक एट होम। देते हैं चैट जीपीटी को बनाने के लिए कि किस तरह से रेसिपी बनाता है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइपिंग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है कि किस तरह से बनाना है। बट इसको हम स्टॉप करते हैं, टाइम कम है और मुंह में पानी आ रहा है, बोल नहीं पाऊंगा, तो इसको स्टॉप करके नेक्स्ट चैलेंज की ओर चलते हैं। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेक्निकल फील्ड से है, वेबसाइट वगैरह डिजाइनिंग करते हैं, कोड चाहिए तो वो भी आपके लिए टाइप कर देगा। तो यहाँ पे आप बस कॉपी करके देखते हैं कि किस तरह से टाइप करता है। अब मैं इसको चैलेंज दे रहा हूँ कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए जिसका नाम है एसकार्ट, और ये कोड लिख के देगा और इसको हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके बस विद इन कुछ मिनट जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे टाइप कर दिया, और यहाँ कोड कॉपी करने का भी ऑप्शन है जिसे आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। इसने वेबसाइट जो है कोड इसके लिए टाइप कर दिया, और ये कोड कैसा दिखता है यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी ये दिख रहा है जो कि HTML फॉर्मेट में है। इसको CSS वगैरह स्टाइल डिजाइनिंग वगैरह करके ऑनलाइन डालेंगे तो ये सेम टू सेम फ्लिपकार्ट जैसा बस दिखेगा जो आप शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, विद इन कुछ मिनट्स में इन्होंने तैयार कर दिया है। अब अगला चैलेंज दे रहे हैं इसको, गूगल के तरह हम इससे पूछते हैं हाउ टू शेयर प्रिंटर इन विंडोज 10 विद अदर नेटवर्क PC। तो ये कैसे आंसर दे रहा है। गूगल आपको बहुत सारे यूजर्स के दिए हुए सजेशन सजेस्ट करता है, बट ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड कर दिया है कि किस तरह से विंडोज़ 10 में प्रिंटर शेयर कर सकते हैं अदर नेटवर्क डिवाइस के साथ, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। लेकिन बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशूज़ हो रहा है, मेरा वाईफाई स्लो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए ये रुक गया है। और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह चलते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है अगर हम ऑफिस में वर्क करते हैं और अपने HR को एक ईमेल टाइप करना है बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में, जिससे कि हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अगर सैलरी के लिए आपको HR को थोड़ा सा पटाना है तो आप किस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं ईमेल। तो यहाँ पे आप बस एम्प्लॉय नेम जो है आपका, जैसे मेरा नाम संजय है, डिपार्टमेंट कौन सा, इंजीनियर डिपार्टमेंट है या वर्क रोल जो भी है, आप डाल के यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये टाइप करता है ईमेल। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम, डियर HR मैनेजर, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू रिक्वेस्ट सैलरी हाइक फॉर, और ये देखिए यहाँ काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर सैलरीज, पूरा एकदम टाइप कर दिया इतना सारा कि देखने के बाद HR बिना आपके सैलरी हाइक के रह नहीं सकता है। सिंसियरली योर नेम डेजिग्नेशन योर डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छा टाइप कर दिया है। अब जब चैट GPT इतना सारा काम कर ही रहा है तो दोस्त वाला काम ये करता है कि नहीं वो भी देखते हैं। जैसे दोस्तों से पूछते थे कि यार किसी लड़की को पटाना है या उसके साथ बात करना है या उसको डेट पे ले जाना है तो कैसे बात करूँ अगर शर्माते हैं तो, तो चलिए हम चैट GPT से ये बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सजेशन देता है हमको। हम इसे पूछेंगे हाउ टू आस्क अ गर्ल फॉर अ कॉफ़ी डेट, तो ये देखते हैं कि किस तरह से हमें जवाब देती है। चलिए कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या सजेशन देता है। ये ह्यूमन बिहेवियर समझता है कि नहीं समझता है। पिटवाना मत भाई, और यहाँ पे इन्होंने पूरा सजेशन दे दिया है कि किस तरह से ग्रीटिंग करना है, कैसे आपसे उससे बात करना है बाय नेम लेके, और रिमेंबर बी पोलाइट कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल व्हेन आस्किंग समवन आउट, गुड लक, थैंक यू। तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।